छोड़ने लगता सूनापन, अब लुप्त हुआ है सुखी जीवन, दिल्ली का दिल तो छीन लिया, एकाकी है यमुना कम। हम सबका बहुत सौभाग्य है कि इतना महान कलाकार अस्वस्थता के बावजूद इस आयोजन में आया है। रामनिवास मिर्धा जी कहते थे जीडीपी अगर 0.25% गिर भी जाए तो कोई बात नहीं, पर रसिक ना बंद हो जाए इसका फिक्र है। 52-51 से हम दिल्ली संगीत भारती से हम रहे हैं, और उसके बाद भारतीय कला केंद्र, फिर कथक केंद्र, बहुत काफ़ी हमारी जर्नी हुई है दिल्ली में, और कई मकान बदले, लेकिन मैं दिल्ली में हूँ, मकान तो बहुत से बदले हैं, और काम वही रहा, सिखाने का रहा, शागिर्दों को तैयार करने का रहा। आज भी मैं अपने अच्छे अच्छे शिष्यों को बना रहा हूँ, और उसी खुशी, बल्कि शागिर्द अब बढ़ गए हैं काफ़ी हैं इस वक्त, कथक हमारे कला आश्रम में 700 शागिर्द हैं जो सीख रहे हैं कला, हमारी बिटिया सिखा रही हैं, ममता दीपक सिखा रहे हैं, मेरे बेटे सिखा रहे हैं, शाश्वती सिखा रही, हम लोग सब लोग मिलके कथक की सेवा में हैं। बस अब कहना मतलब मैंने कला आश्रम इतनी बड़ी संस्था जिसमें हमारा नाम नहीं है, क्यों नहीं रखा, हम लोग सब सेवक हैं, इसलिए मेरा नाम है ही नहीं हुआ, बल्कि दूसरी जगह मेरा नाम लेकर स्कूल बहुत से खुल गए, बिरजो मेरा संस्था खुलाना, मेरे ही वाले में नहीं, मैं खुद में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में रहा कि हम लोग सब सेवा करने वाले हैं, तो कला आश्रम एक संस्था है जहाँ पर हम सब लोग मिल के जाते हैं, और आज भी अच्छे अच्छे शिष्य, मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऐसे ज़माने में जब इतने फिल्म्स के और तमाम दुनिया भर के बहकावे हैं, टेलीविज़न के बहुत बहकावे हैं, उसके बावजूद 600-700 बच्चे हमारे पास सीख रहे हैं, तो ये तो बड़े अभिमान की बात है कि हमारे बच्चे सब हमारे पास, उनके पेरेंट्स भी हमें भेज रहे हैं हमारे पास, और वो गुण सीख रहे हैं, तो भारत का नाम ऐसे ही होगा, ऐसी पूरी उम्मीद करता हूँ, आगे भी भविष्य में खूब काम हो इसकी इच्छा करता हूँ। जैसे हम सब हमारे पुरखे बाहर से आए हैं हिंदुस्तान में, और ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आज तक दिल्ली ने किसी से ये नहीं कहा है कि तुम बाहर निकल जाओ। I want to talk about Delhi. I grew up in. First trip to Delhi was to see Qutub Minar and other monuments in Delhi. You do Delhi Darshan and go to various spots, and that becomes an impression in your mind. I came back empty-handed. My mother and I rolled up 20 canvases. We couldn't believe they were all gone, because there was Pandol, there was Kemol, there was Gallery 7, and Hussain Saab bought the first work, although I never knew him. Mohan Rakesh's Ashar Ka Ek Din was the first play he did. He did it open air in a tiny angan. NSD used to be in Kailash Colony. So, wahan jaane ke liye rail ki patri pehle, fir kahin par geedaron ki awaaz, kahin par lehrate hue khet, aur fir aap pahunchenge NSD mein. What Al-Ghazi Sahab brought to the teaching of theatre was a kind of curriculum which was about the liberal arts. That means there was a study of history, there was a study of literature, but there was also a study of skill, a model that was part of the British drama school. Skill, makeup, carpentry, voice, and various things like that. आए व्यापारी गाड़ी में चढ़ के, तो लाया रीती उतारो थारी में धरी के गा करा कुलपुर। ए सासगारी देवे मैं नंद मुँह लेवे देवर बाबू मोर, सैया गाड़ी देवे पड़ोसी बम लेवे करा कुलपुर। अज्ञेय ने भारत विभाजन पर कहानियां भी लिखी हैं और कविताएं भी लिखी हैं। वो हिंदी के उन बहुत कम लेखकों में से हैं जिन्होंने भारत विभाजन से संबंधित दंगों को अपनी कहानियों और कविताओं का विषय बनाया। कई लेखक ऐसे भी हुए हैं हिंदी समाज में जिनमें समाज इतना प्रमुख है कि व्यक्ति और व्यक्ति की आंतरिकता पर उतना ध्यान ही नहीं गया है। इन दोनों का निर्वाह समान रूप से करने वाले लेखक बहुत कम हैं हिंदी में, और अज्ञेय उनमें शीर्ष पर है मेरे मन में। अब उर्दू रस्म खत के पढ़ने वाले हैं भला कितने, बयाजें बंद कर दी हमने खामा तोड़ रखा है, खिजां से मुस्तकिल सा एक नाता जोड़ रखा है,
खुद अपनी नाव को गिरदाब के रुख मोड़ रखा है, हमारी खामोशी से दोस्त अफसरदा न हो जाएं, कुछ अरसे के लिए खुद हमने जीना छोड़ रखा है। शुक्रिया। ख्वाजा हसन निज़ामी वॉज द सज्जादा नशीन ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह। हिज नाना वॉज द सज्जादा नशीन एट द इन 1857 एंड वेन बहादुर शाह जफर फ्लेड फ्राम द फोर्ट एंड केम टू हुमायूं टूम, बिफोर दैट ही वेंट टू द दरगाह, हैंडेड ओवर ऑल द रेलिक्स दैट ही हैड रेलिक्स ऑफ द प्रॉफिट एंड कुरान शरीफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा विच हैड बीन इन द पोजेशन ऑफ द मुगल एम्परर्स एंड हैड बीन गिफ्टेड टू देम बाय द Ottoman Empire. So he handed that over and then he came to Humayun's tomb, and after that from there he was captured and taken back and then a trial, and after that he was exiled to Rangoon. Meri maa ek badi achhi meethi baat kehti thi. Uske bade bachche, kai sare bachche the. We were 10 of us. And she looked after all of us very lovingly. Aur har baar unhi ko kaam karna padta tha. तो कहती थी, आप न मरिए तो स्वर्ग न जाइए। एंड आई यूज टू फील कि मेरी माँ कुछ मीठी अच्छी बात कहती है, लेकिन हम बच्चे थे, हमें समझ में नहीं आती थी कि आप न मरिए तो स्वर्ग न जाइए। ये कुतुब मीनार, ये उस जमाने में जब वहाँ का एनवायरनमेंट और लैंडस्केप अनटच्ड था, ये उस जमाने की फोटोग्राफ है। एक जमाना था जब कुतुब मीनार में आप ऊपर तक जाते थे। Was the time in 49 when after doing it for 2 years, I think I did some job, worked in a bank, worked in a newspaper, Hindustan Times, Hindi paper, and some other jobs. Then I told my father that, listen, I would like to go to Paris and have proper art education. Words in the Garden, what a thoughtfully created concept for students, for the younger generation today. Would love to show them what Delhi used to look like and what it is going to look tomorrow. The name game is about visualizing a picture in your mind. For example, let's say your name is Mukesh. I mean, a boring name, but that's your name. So you're going to break up your name to visualize it, to give it a picture. So for example, if you have a name like Mukesh, you're going to break it up into two, Mu and Kesh. And Mu, what picture would it be? Face or Mu, okay? You can do that. Or you can do a cow doing Mu. देखिए, अब आपको अगर स्पोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं ना, आई वुड से जिस पे मैं काम कर रहा हूँ आज की डेट में, कि आप देखिए 12 साल से 25 साल वाले को कौन सी गेम पसंद है, वो कैसे खेलना चाहता है। आप और मैं क्या सोचेंगे, आई एम हैप्पी बोथ ऑफ यू सेड दैट सीनियर सिटीजन यू डेंट इंक्लूड मी इन दैट, सो आई एम हैप्पी ऑन दैट डिस्कशन। बट आप उनसे पूछिए, बिकॉज दैट्स वॉट द फ्यूचर इज। आप अब 24 में देखें, ओलंपिक्स में यू हैव अ इवेंट कॉल्ड ब्रेक डांस, सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट एज, कि फ्यूचर ओलंपिक्स का उनका आना है जो आज 12 से 25 तक हैं। हम क्या सोच रहे हैं वो इरेलीवेंट हो गया। फर्स्टली, फैशन फॉर मी मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, व्हाट मेक्स यू लुक द मोस्ट ब्यूटिफुल, व्हाट मेक्स यू मोस्ट कंफर्टेबल, सो दैट यू आर बीइंग योरसेल्फ।
my mother and my masis or my nani who came from Pakistan, I grew up around Kanjivarams. So it was strangely, I questioned them many years later, I couldn't be bothered what they were wearing, but they were elegantly dressed. And so a lot of it was about the textiles and woven textiles, because somehow that's what I first grew up with. Way before I became a stylist, I never really studied fashion anyway. It was cottons, it was dhakais, it was Kanjivarams, it was, so somehow I've grown up around Bhagalpur silks. It's always been around woven textiles. He's given Delhi cuisine utterance, right? He creates lots of cacophony about Punjabi food, but he's married to a Punjabi, so, you know, I salvage some of that pride. But please, it's a very important thing. I think we all need to understand. Where did this happen and why did this happen? Many of the dishes that we associate with Indian food were invented or at least transited through Delhi and therefore reached fame. Gautam made the point that the most famous Indian dish in the world is the tandoori chicken. The tandoori chicken, as we know, was probably invented in Peshawar in the 20s or the 30s, but made famous in Delhi in the 1950s by Moti Mahal, which Gautam referred to. Butter chicken, on the other hand, also one of the great Indian dishes of today's cuisine, was invented in Delhi. So was the chicken tikka. Khana jo bhi apnata hai, usko wo apna banata hai. Haath jo hai, maza jo hai, wo haath mein hota hai, masale mein aur khane mein nahi hota hai. So then people have taken it and adapted it, and that is how whoever took it, they took it to London or they took it to France or they took it to US or they took it to Lucknow. Sabne apna add kiya. Delhi se hi khana Lucknow gaya jo wahan nikhra. Yahan se London gaya, yahan wo chutney Mary ban gaya. So it's all, you know, it's an amalgamation of, and food is the easiest thing to add to. Apnana usko, aap apnaiye aur usme aap apna ek maza daliye. And that is how these legends keep growing. We are planning births in the garden in which every single participant in terms of talking, showing, performing will be women of Delhi.